लाल बत्ती से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, हमेशा मेरे पीछे रही है, आज आगे है। समीर। हाय भाई। आपकी बीवी कमाल की है, किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बीवी। आखिर बीवी किसकी है सर? आखिर बीवी तो आप ही की है। कहाँ है इस वक्त? बाहर होगी, अब हमारे साथ यहाँ जेंट्स टॉयलेट में थोड़ी ना आएगी। सही बात है, आपके साथ जेंट्स टॉयलेट में क्या करेगी वो? एग्जैक्टली। चलिए आप चलिए, मैं हाथ धो के आया। सी यू। अरे वर्धन भाई, आप क्यों खड़े हो गए? आपके आने पर तो हम खड़े हुआ करते थे। और वैसे भी मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि अब मेरे आगे कोई नहीं खड़ा होगा। बैठो जावेद। यह तो सुल्तान का नक्शा है। और यह है शोएब की बंबई। ये नक्शा क्या कोयले से बनाया है? सारा काला कर रखा है। हमारा इलाका कौन सा है? वर्धन भाई, हमको यहाँ जलाने के लिए बुलाया है क्या? ये बड़े बड़े फैसले तुम्हारे समझ के बाहर है। साफ जाहिर है, एक रंग एक राजा। अगर ये फैसला हमें मंजूर ना हो तो? अगर किसी को भी लगता है कि वो मुझसे दो कदम आगे है तो ये रही बंबई, चढ़ा लो इस पे अपना रंग। लेकिन एक बात याद रखना, जितने मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं वो साले कब्र में पैर फैला के लेटे हुए हैं। सुल्तान के बाद अगर बंबई पे कोई राज कर सकता है वो है सिर्फ शोहेब। अरे सुल्तान ने शहर के 5 हिस्से किए थे। सुल्तान बहुत अच्छा आदमी था। मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। मुझे तो लगता है इसका जन्मदिन भी नहीं है। हमें बुला के सब कुछ ले लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या रे, तेरा मेरा करता है? सब कुछ मेरा है, पर ऐसा नहीं कि तुम लोगों को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। तुम्हारे सारे धंधों का हिसाब आज से हम रखेंगे, पर किसी का हक नहीं मारेंगे। बाकी की जिंदगी इज्जत और आराम से कटेगी। जितना कमाते हो उससे ज्यादा ही मिलेगा। वर्धन भाई, ये रावल कहाँ है? मैं समझा दूंगा उसे, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। रावल मान गया तो ठीक है, वरना गलत काम तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं। भाई कल को ज्यादा तो नहीं हो गया? जावेद, 10 साल लगे हैं इस वक्त को खड़ा करने के लिए, इतनी पावर और पैसा जमा करने के लिए कि कोई सामने चू करने से पहले 2 बार सोचेगा। मुझे बंबई का एक हिस्सा नहीं चाहिए, पूरी की पूरी बंबई चाहिए। अब अगर दान किया तो धंधा बुरा मान जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? शैतान साला बम से भी नहीं मरा। अब गांव जाओ, भेस बदलो, बुर्का पहनो, मंदिर के बाहर भिखारी बन के बैठ जाओ, लेकिन पकड़े मत जाना। हाँ, अगर अपना एक भी आदमी पकड़ा गया ना तो हमारे घर में सिर्फ औरतें बचेगी, बस औरतें। रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? रिलैक्स डार्लिंग, तुम बेकार ही डर रहे हो।
शोएब के कितने दुश्मन हैं? और बॉम्ब पर तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा था, उसे कैसे पता चलेगा कि हमले के पीछे तुम ही हो? यह कमीनी हरकत रावल के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन वो साला ये भूल गया कि जो खेल उसने शुरू किया है खत्म मैं ही करूंगा। वो आपके बंबई में नहीं होने का फायदा उठा रहा है, उसे लगता है वो वहां पे महफूज है। मच्छर जिसका खून पीता है साला मरता भी उसी के हाथों है, और उसके लिए मच्छर का हाथ में आना भी जरूरी है। जावेद, बंबई की ऐसी कोई चीज नहीं है जो शोएब के पहुंच के बाहर हो। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत दिनों बाद बंबई ने मुझे अपनी बाहों में बुलाया है, अब देखना ये है कि वो गले लगाती है या फिर गला काटती है। सर, मुमताज घर से बाहर आ चुकी है। फॉलो हर, मुझे एक मूवमेंट की खबर चाहिए। चलो। आ गई है और सर सभी में काली गुड़के वाली औरत बैठी है। टैक्सी नंबर क्या मेरा बाप नोट करता, किया क्यों नहीं? तुमने ये क्या है? सर सभी टैक्सी का नंबर भी एक ही है। शाबाश, एक काम करो, वर्दी का बिल्ला बदल लो और टैक्सी चलाना शुरू कर दो। बंबई की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। मीटर कितना भी तेज भाग ले, टैक्सी से आगे नहीं भाग सकता। तुम बिल्कुल नहीं बदले। 12 साल 6 महीने 15 दिन, याद है तुम्हें? अच्छी तरह याद है। रास्ते पे ध्यान दो, ये बदल गए हैं। ये बंबई भले ही कुमकुम से किमी काटकर हो गई है, पर आज भी आंखें बंद करके तुम्हें आधी बंबई घुमा सकता हूं। वालेकुम सर। जब तक मैं बंबई में हूं तुम ऊपर दूसरे माले पे रहोगी। तुमने फैसला किया है तो ठीक ही होगा। पुलिस को घुमा के आराम से बैठेंगे। जी भाई। असलम कहाँ है भाई? वो अंगड़िया लोग नहीं है जो हीरो की स्मगलिंग करते हैं?